Mahesh, shot ready, okay? Yeah, everything is ready, okay. Hello, Mahesh, 1 minute. बाइक स्टार्ट करते ही तुम्हें जंप करना है, पता है ना तुम्हें? सामने रैंप है, दोनों एंगल में कैमरा फिट किया है, ओके? एक्शन बोलते ही जंप, ऑल द बेस्ट। ऑल राइट, प्रिया रेडी? कम, प्रिया जाओ। या, थैंक यू। शॉट रेडी? डोर क्लोज करो, पैंट्स ऑफ। स्टार्ट कैमरा, एक्शन। ए महेश, स्टार्ट द बाइक या? ए महेश, क्या हुआ महेश? ए महेश, क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुझे? ए लाइट्स ऑफ। ए महेश, क्या हुआ? थोड़ा फाइनेंशियल मैटर। फाइनेंशियल मैटर तो पूरी हो चुकी है ना? अरे तुम्हें तुम्हारा 1,25,000 मिल गया ना? मुझे 30% एक्स्ट्रा चाहिए। दिस इज टू मच। व्हाट 30% एक्स्ट्रा? वी हैव ऑलरेडी पेड यू इनफ, ओके? ये स्टंट करने वाला तुम एक ही हो, इसलिए तुम ऐसा करोगे? जो मैंने मांगा वो देंगे तो करूंगा, नहीं तो नहीं। कॉल शीट वेस्ट हो रही है महेश। आई डोंट केयर। इट्स वेरी बैड। परेशान क्यों करते हो महेश? बताओ महेश। महेश रास्कल, लास्ट मिनट में हम सबको टेंशन में डाल दिया। परसेंटेज चाहिए उसे, परसेंटेज। उसके जैसा बाइक चलाने वाला अगर कोई मिल गया तब दिखा दूंगी मैं उसे। अरे ये ट्रैफिक जाम कैसा लगता है? कोई एक्सीडेंट हुआ है? ओके, मैं अभी पहुंचता हूं। And I want. Raj, उस दिन एक्सीडेंट स्पॉट में तुम्हें देखा तो लगा कि तुम ऐड के हीरो बन सकते हो। अब इतने कम दिनों में तुम मेरे हीरो बन गए हो। इस सीरीज के साथ बी केयरफुल। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। सॉफ्ट, थोड़ा लेफ्ट, रेडी। शॉट रेडी सर, टेक। रेडी। जब से तुम्हें देखा तब से दिल करता है कि बस तुम्हें देखती रहूं। एक्सक्यूज मी, शॉट रेडी है। आई एम सॉरी। ए प्रिया, जरा कस के पकड़ना। सर जिस स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तुम गिर सकती हो। ओके। इन जज्बातों का क्या मतलब है मैं नहीं जानती, लेकिन ये हर एक लम्हा मेरे लिए हसीन है।
आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू टू। तुम्हारी रिक्वेस्ट पर मैंने एड में काम किया, इसका मतलब यह नहीं कि आई लव यू के लिए भी मान जाऊं। यू आर रॉन्ग राज। डोंट शाउट। तुम्हारे साथ दोस्ती करना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। राज, यू डोंट नो राज, मैं बहुत जिद्दी लड़की हूँ। मेरे प्यार को नहीं अपनाया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। I'm serious about that. Good luck. Shut up. ये क्या है सुसाइड वगैरह? राजा की जिंदगी में प्यार नाम के शब्द के लिए कोई जगह नहीं है, जानती है? अगर तुम राजा ने अपनी जिंदगी में क्या पाया है और क्या खोया है जानती तो ऐसी बात नहीं करती। जिस राजा को तुम जानती हो वो अलग है, 6 साल पहले का राजा अलग है। उस वक्त राजा कैसे जिया करता था ये तुम सपने में भी सोच नहीं सकती। रहना है।
म्यूजिक और डांस से राजा को बहुत लगाव था। एक रईस होने के बावजूद, एक सक्सेसफुल ऑडियो कंपनी का मालिक होने के बावजूद वो एक डांस स्कूल चलाया करता था। अपने स्टूडेंट्स को लेकर वीडियो एल्बम बनाया करता था। अगर वो डांस का दीवाना था तो दोस्ती उसकी कमजोरी थी। राज, ये जल्दी भेजना है, इस चेक में जरा साइन करना। ठीक है। गोपी ने डांस बढ़िया पिकअप कर लिया है ना? आखिर चेला किसका है? हेलो। हाँ चंद्रू, बोलो। प्रॉब्लम? अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, बस आखिर मैच। राज, ये सब क्या है? मैंने कभी नहीं सोचा कैसे गड़बड़ हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मेरे इश्यू किए गए कुछ चेक्स चेक बाउंस हो गया है। अब कार्रवाई होगी, इसलिए अरेस्ट करने आए हैं। हाँ सर, हम कुछ नहीं कर सकते, इसने गलती की है इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है तो है। चलो राज, ये हमारे दोस्त हैं यार। दोस्त? ऐसा हम लोग सोचते हैं, ये नहीं सोचता है। ये क्या कह रहा है राज? तो इसमें क्या हुआ, उनसे उधार लेते समय मेरी याद नहीं आई? जब याद आई है। बात यह है, अबे दोस्ती का मतलब तू क्या जाने? ये बात नहीं है राज, हर बार तुम पे बोझ बनके आखिर कब तक परेशान करता रहूं? It's all right. Look, mister, पैसे मैं दे दूंगा, आप केस विड्रॉ कीजिए। ओके सर। प्रसाद, 25 लाख का चेक बना दो। ओके। राज। हे रमेश, डोंट बी इमोशनल। तू जैसे एक फ्रेंड काफी है रे। ओके ओके, टेक इट इजी। One photo, please. तुझे तो ज्यादा ही चढ़ गई है। इतनी बड़ी ऑडियो कंपनी को होते हुए तुम ऐसी इच्छा क्यों पाल रहे हो राज? राइट, इच्छा के लिए डांस और पैसों के लिए ऑडियो। कुछ भी हो यार, तुम तो बड़े किस्मत वाले हो। करेक्ट, यही तो किस्मत है। यानी अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई, ये भी किस्मत है? हाँ, उसके लिए भी किस्मत होनी चाहिए। अरे इसमें क्या है यार, यहाँ पर एक लकीरी चाहिए ना। अरे मुझे पेन देना, खींच देता हूँ। ए, अपनी मजाक बंद कर यार। मेरा मतलब है, अगर मेरी किस्मत में लिखा है तो यहाँ की कोई भी लड़की मेरी वाइफ बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, देखो जैसे वो लड़की। कौन सी लड़की? वही जिसने ग्रीन चूड़ीदार पहना ना, वो मेरी वाइफ बन सकती है। अक्सर बन सकती है कहते हैं, लेकिन कभी नहीं बनती। कोई इसका यकीन नहीं करता। जा रहा है, लगता है मेरी बात पर विश्वास नहीं करता। आपसे बोल रही हूँ। हाय, यस। अभी आप क्या कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था कि किस्मत में लिखा है तो ग्रीन चूड़ीदार वाली मेरी वाइफ बन सकती है। यहाँ इतने सारे कलर्स के बीच आपको सिर्फ ग्रीन ही दिखाई दिया? दरअसल जैसे ही मैं घूमा तो आपका कलर दिखाई दिया, इसीलिए कह दिया। जस्ट कैजुअल, जानबूझ के नहीं कहा। कितने भी कैजुअल क्यों ना हो, लेकिन आपको दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करने का कोई हक नहीं। लुक मिस, आई एम नॉट सीरियस, मैंने बस ऐसे। मिस्टर, सोसाइटी में हो सकता है बड़े इज्जतदार हो, और इज्जतदार लोगों को ऐसी बात करना शोभा नहीं देता। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। देखिए मिस, मैं वाकई। बिहेव योरसेल्फ। अरे बाप रे, छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा भाषण झाड़ के चली गई। अरे ये लड़की राज की बात बंद करती है। ए, ऑटो! चूड़ीदार। आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो?
ग्रीन कलर बढ़िया कहते ही चने के झाड़ पे चढ़ गई। रुक जाओ मिस, स्टॉप इट, आई एम कमिंग, यू एंड मी टॉकिंग, ग्रीन ग्रेट, आई लव यू कहते भाव खाने लग गए। ठंडे दिमाग से सोचकर यस और नो कल बताने को कहा। तो तुमने क्या किया? What did you do? You did nothing. तुम्हें एक और मौका देता हूँ, इस बार अच्छी तरह सोचकर आई लव यू बोल देना, ठीक है? शाबाश, गुड, कितनी प्यारी लग रही हो, चुम्मा देता हूँ। अब तुम सो जाओ, मैं चलता हूँ। देख लिया। तो कांच के अंदर थी ना, या सड़क पर कैसे पहुंची? वेरी बैड, औरतों को अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। अब जाओ। ये मुझे मैलक में समझ रहा है। नहीं जाओगी? ओ, मेरी मदद चाहती हो? ठीक है, करता हूं। इधर इधर कर कर कर। गुड, काफी समझदार है। अरे बाप रे, हमारी भारतीय संस्कृति के मुताबिक औरत की मूर्ति ही क्यों ना हो, उसका पल्लू ढका हुआ होना चाहिए, उसी में गौरव है। शाबाश, कितनी प्यारी लग रही है मेरी प्यारी प्यारी डॉली। वाह भाई वाह, अरे का हाथ ऐसे कर क्यों रखे हैं, लोग क्या सोचेंगे? इसे ऐसे उठाओ, इसे ऐसे उठाओ, अब दोनों को जोड़कर सुस्वागतम करो। स्वागतम करते रहना, गुड नाइट, जो भी आए उनका स्वागत करना। ओके, ए नो स्टडी, शाबाश बेराज, तुझे क्या यार, तेरे एक इशारे पे ये ग्रीन तो क्या हजारों ग्रीन जान न्योछावर कर देंगे। वेरी स्मार्ट बॉय, अब घर जाकर सो जा। बेटी शांति, हा? उस लड़के के बारे में मैंने इंक्वायरी की, वो लड़का बुद्धिमान और होशियार है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अमीर और सेहत में परफेक्ट है। अब और कुछ मत सोचो। रात को वो चढ़ाने के लिए, सुबह ये उतारने के लिए। बाप रे, लगता है प्रसाद। अरे यार दरवाजा खुला है, अंदर आ जा। कल तक पीना, सुबह खुमारी उतारने के लिए ये टैबलेट खाना, ये तो रोज का हो गया। आजा आजा। आप मेरे आइए आइए आइए, बैठिए 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 प्लीज। बोलिए। क्या बोलूं? वही मैंने जो ऑफर दिया था। यस बोलिए ना। बटवा देने आई हूँ। आपका बटवा मुझे क्यों दे रही हैं? अपने पास ही रखिए। यह आपका बटवा है। हाँ, मेरा बटवा आपके पास कैसे? रात को अपनी पॉकेट से कर्चिफ निकालकर आईने में अपनी खूबसूरती निहार रहे थे, तब गिर गया था। मैंने खूबसूरती कब निहारी? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। वही जब मुझे शोरूम का पुतला समझकर पकड़ लिया और दीवार के साथ रखकर मुझे प्यारे प्यारे डार्लिंग वगैरह कहते हुए मुझे बहुत सारी बातें की थी ना आपने, तब। दरअसल मैं उस तरह का नहीं हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। याद तो होगा ही नहीं, पांच छह पेग पीने से ऐसे ही होता है।
पांच है नहीं, पहले मैंने टेस्ट किया, टेस्ट अच्छा लगा और मैंने चार पी लिया। उसके बाद मना करने पर भी एक जबरदस्ती पिला दिया, और टेस्टिंग करने वाला गिनती में नहीं आता, इसलिए कुल मिलाकर 4। इतना पीना जरूरी है? चलो पी भी ली, तो कोई टैक्सी किए बिना खुद गाड़ी चलाना ठीक है? और अगर कभी चला भी ली, रास्ते में गाड़ी रोककर आधी रात को बीच सड़क पर जज्बाती होकर परफॉर्म करना अच्छी बात है। आइंदा कभी पियकड़ों की तरह नशे में धुत होकर इस तरह बिहेव करेंगे? गुड। ये ग्लास क्यों ले, दिल की बात सुन ली क्या? ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझसे शादी करने वाला आदमी एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करे। You mean? Yes, I mean it. Yes! मेरी जान सुस्वागतम, ये प्यार तो होगा न कम। ओ मेरी जान अभिनंदनम, ये प्यार तो होगा न कम। तेरे प्यार में मैं बह गया, ऐसी है तू हसी। कहो जानम फिर से अभी जो तुमने कहा, सुनो सुनो जानम फिर से तुम ही तो जाने वफा। शमा यूं ही जलती रहना, सीने में बस के तुम मेरे खुदा बहुत प्यार करना। तू मेरी राधिका, मैं तेरा सांवरा, मैं तेरी बावरी तू मेरा बावरा। मंदिर प्यार का मिलके आप पूजा कर ले, जाने कहां फिर दुनिया में मिलेंगी ये खुशियां। जाने कहां फिर ख्वाबों हो। ओ मेरी जान सुस्वागतम, कहां
फिर ख्वाबों में मिलेंगी ये अखियां, जाने कहां फिर दुनिया में मिलेंगी ये खुशियां। ओ मेरी जान सुस्वागतम, ये प्यार तो होगा न कम, तेरे प्यार में मैं बह गया, ऐसी है तू हसीन, ये जान ली मेरा कोई तेरे सिवा नहीं। कहो कहो जानम फिर से अभी जो तुमने कहा, ये लो 8 बज गए और ये अभी तक सो रही है। अक्षया, अक्षया उठ, स्कूल का टाइम हो गया। इतना चिल्ला रही हूँ और ये हिल भी नहीं रही है, ये तो घोड़ा बिचकी सो रही है। इससे उठाना तो रोज का प्रॉब्लम हो गया। ए अक्षया उठ, उठना, सीधी तरह उठती है या लगाऊं दो? कितनी बार बोलो पर ये सुनती ही नहीं। लाड प्यार कुछ ज्यादा ही हो गया है। तुम भी एक बार में नहीं समझती हो, तुम्हें भी लाड प्यार ज्यादा हो गया है। बच्ची को कैसे उठाते अभी दिखाता हूँ। हाँ हाँ उठाओ ना, देख लो। अकी देखो मैं हूँ, मेरी अच्छी बच्ची हो ना, देखो सुबह हो गई, उठ जाओ, come on, come on, come on, come on। अब ताकि मैं तेरे हाथ जोड़ता, मेरी इज्जत का फलूदा मत निकाल प्लीज। अरे उठ जा ना, देखो तुम्हारे लिए मिकी माउस लेकर आऊंगा, डायनासोर आइसक्रीम। Come on. Yay! Good morning, dear. Good morning, Daddy. Aki, Daddy, both are friends. तुम दोनों को सुधारना मेरे बस की बात नहीं है। और तुम्हें सुधारना हमारे बस की बात नहीं है। आजकल मेरी बातों की जरा भी परवाह नहीं है इसे। देखो तो कितनी भोली बनके बैठी है। बोल बोल के थक गई लेकिन मेरी मारती ही नहीं। मैंने कहा था कि आइसक्रीम खाएगी तो जुखाम लगेगा, मना करने के बावजूद आज स्कूल में फिर से आइसक्रीम खा के आई है। डैडी को आने दो, तुम्हारी खबर लेती हूँ। शांति क्या हुआ, उसे क्यों डांट रही हो? गलती तो आपकी है, आपके लाड प्यार ने से बिगाड़ दिया है। मना किया फिर आइसक्रीम खा के आई है। आइसक्रीम खाई है इसने? वेरी बैड। शांति तुम चिल्ला के अपनी हेल्थ खराब मत करो, इसकी हेल्थ मैं देख लूंगा, तुम अंदर जाके दरवाजा बंद कर लो। अक्षया, अक्षया, आके, तमीज है कि नहीं? मम्मी ने आइसक्रीम खाने से मना किया फिर भी तुमने खाई, हा? तुम्हें जरा भी डर नहीं है? इधर देखो, अके अके, लुक हियर, टेन टेन। हाय, आजा 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 आजा, खालो 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 खालो। ये क्या, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तुम उस तरफ मुड़ गई? डैडी की जरा भी इज्जत नहीं? मेरी छोड़ो, तुम तो मम्मी की भी इज्जत नहीं करती। तुम जैसे जिद्दी लड़की को तो स्केल से मारना चाहिए। बस देखी चले नहीं दीजिए। रोको मत मुझे। आज अचानक कितना गुस्सा क्यों आ रहा आपको? क्यों नहीं आएगा? मम्मी यानी कौन है? माँ, और माँ यानी जन्म देने वाली देवी। माँ और ममता की जरा सी भी परवाह नहीं है। अब बस भी कीजिए। मम्मी आ रही है, माफी मांग लो, ठीक है? आइसक्रीम खाओगी? मम्मी को उल्टा जवाब दोगी? बी ए गुड गर्ल, वरना मैं तुम्हें। बस भी कीजिए ना, अंदर चलिए। पैर हटाइए, हटाइए पैर। अरे ये क्या, ये कैसे गीला हो गया? कहीं बारिश तो नहीं पड़ी है? क्या है ये? आइसक्रीम। आइसक्रीम किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए आइसक्रीम? तुम बाप बेटी को सुधारना मेरे बस की बात नहीं है। अकी डैडी बोथ आर फ्रेंड्स। राज थोड़ा आओ ना,
अभी आए। क्या हुआ? वो किसी मुसीबत में है, तुमसे बात करना चाहता था। हाँ राज, ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, तुम इसे बचा सकती हो। ओके कम ऑन। इसकी चिटफंड कंपनी प्रॉब्लम में फंस गई है, पब्लिक और पुलिस कल इस पर हमला बोल देंगी। तो मुझे क्या करना होगा? हमारे लिए तुम्हारी गारंटी देना ही काफी है, फिलहाल ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और एक महीने में सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी। मुझे अपने लोगों ने धोखा दिया है, आत्महत्या की सेवा दूसरा रास्ता नहीं है। ये क्या यार, इतनी सी बात के लिए ये सब क्यों? गारंटी मैं देता हूँ, पेपर्स निकालो, मैं साइन करता हूँ। सुनो राज, साइन करने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ना, पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में साइन करना शायद बेहतर होगा। जरूरत पड़ने पर मदद नहीं की तो फ्रेंडशिप किस बात की यार, तू चिंता मत कर। ऊपर क्या हो रहा था प्रसाद? होना क्या है, उस चंद्रू को चिटफंड कंपनी में प्रॉब्लम है कहा तो मैं ले आया, मैंने सोचा कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, यहाँ पता चला कि पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है। आपके पति देव उनका रोना धोना देखते ही आगे पीछे सोचे बिना दोस्ती के नशे में धुत 15 करोड़ की गारंटी के लिए दस्तखत कर दिए। दोस्ती अपनी जगह पर है, पर इतना भी भोलापन अच्छी बात नहीं है ना, मैंने मना भी किया, वो सुने तब ना नहीं सुना। कम से कम तुम तो समझाओ, शायद तुम्हारी बात मान जाए। तुम्हें ये शक क्यों हुआ? दोस्ती पर भरोसा होना चाहिए, अगर शक आ जाए तो दोस्ती नहीं कहलाती। ऐसा समझ के आगे पीछे सोचे बिना साइन करके देना भी तो अकलमंदी नहीं कहलाती। जल्दबाजी की? तुम कहना क्या चाहती हो? कोई दोस्त मुसीबत में पड़े तो आराम से सोच के सभी दोस्तों से सलाह मशवरा करके मदद करो, इस बीच फांसी लगा ली तो? फांसी तक क्यों जा रहे हैं, मेरा मतलब है इतनी बड़ी मदद कर रहे हैं तो उसने जो कहा वो सच है या झूठ इसका पता लगाने की बात करते। ऐसा ना करके जिसे चाहो उसे जितना मांगे उतना दे देना भी। Stop it! Enough! It's enough! मैं किसी की कब मदद करूं कैसे करूं ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम देखो। ये बात नहीं है जी, भविष्य में कभी हम किसी मुसीबत में। मुसीबत आई तो मैं देख लूंगा, अपनी सलाह अपने पास रखो। मैं अपने दोस्तों के बीच में क्या करता हूँ क्या नहीं इसके बीच में तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी चीज की कमी है तो मुझसे बोलो, ऐसा ना करके मेरे जाति मामले में दखल देने की कोशिश मत करना। हाय अखी। हेलो अक्षय जी। मम्मी से सॉरी बोलो। सुन लिया क्या? दरअसल बात ये है कि मम्मी से सॉरी बोलो। ठीक है, मैं देखती रहूंगी। I'm sorry, Shanti. Sorry. Sorry. साहब का गुस्सा देखकर तो ऐसा लगा कि 2 दिन तक मुझसे बात नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या 2 मिनट में ही सॉरी बोल दिए। वो हमारी अक्षय ने कहा मामी से सॉरी नहीं कहोगे तो मैं बात नहीं करूंगी। मैं और क्या करता, मैंने कह दिया। हाथ हटाइए। क्यों, वजन ज्यादा? हाथ हटाइए, दूर जाइए। क्यों? तो आपने जो सॉरी बोला वो अपने मन से नहीं बोला, बेटी के कहने पे बोला है। ये बात नहीं है।
शांति 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 शांत शांत हो जाओ। आई एम सॉरी। क्या बाप रे, क्या हुआ? कितनी खूबसूरत है ये कॉलेज स्टूडेंट, कौन है? मैं आपको कॉलेज स्टूडेंट बोल रही हूं। आई एम सॉरी डार्लिंग, आई एम सॉरी। इस सॉरी से इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला होगा ना। रात को जब बेटी सो जाएगी तो बहुत अच्छी तरह सॉरी बोलूंगा। खाना खा लिया ना, अब सो जाओ। कहते हैं खाना खाते ही सो जाने से खाना हजम नहीं होता है मम्मी। तुमने कम खाया था, बिल्कुल हजम हो जाएगा, सो जाओ। मैं नहीं सोऊंगी। सो जाओ। मुझे नहीं सोना। सो जाओ ना बाबा। मुझे लोरी सुननी है। ठीक है सो जाओ, मैं लोरी सुनाती हूँ। ला 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 ला। हाय। दो मेरी गुड़िया है, आशा है तू मेरे, डैडी को जान से भी तू ही प्यारे। फुलवारी फुलवारी इस घर की तू फुलवारी, मम्मी को जान से भी तू ही प्यारे। हिरनी की तरह फिरती रहती मेरे द्वारे, तेरे पीछे ही फिरते रहते हम तो सारे। कोयल सी मीठी तेरी बोली प्यारे, लगती हमको सबसे न्यारे। तू मेरी गुड़िया है, आशा है तू मेरी, डैडी को जान से भी तू ही प्यारे। क्या बात है प्रसाद, ये लोग कौन है? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया राज, उस चंद्रों के लिए गारंटी दी थी ना तुमने, उसने धोखा दे दिया राज। हाँ राज, उसकी फाइनेंस कंपनी का दिवाला निकल गया, करोड़ों रुपए लेकर वो फरार हो गया। वो पब्लिक का पैसा है इसलिए सबने मिलकर कंप्लेंट दिया है। उसकी तरफ से तुमने गारंटी दी है इसलिए वो सारे रुपए अब तुम्ही को देना पड़ेगा। इतनी बड़ी रकम भरने के लिए तुम्हें अपनी सारी जायदाद। मिस्टर राज, आफ्टर टेकिंग योर ऑडिटर रिपोर्ट्स इनटू अकाउंट, योर बैंक अकाउंट्स आर फ्रीज्ड एंड लॉकर्स आर सील्ड। इसके अलावा आपकी सारी संपत्ति, ऑफिस, फैक्ट्री, डांस स्कूल, सब कुछ सील किया जाता है। इतना ही नहीं, आपकी गाड़ियां और फर्नीचर्स पर भी हम कब्जा कर रहे हैं। सो एट दिस मोमेंट यू हैव टू वैकेट योर हाउस विद योर बेसिक बिलोंगिंग्स। अगर इन पेपर्स पर आप साइन करेंगे तो हम अपना प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। बहुत अच्छा है, पसंद आया? पास में ही मेरी फ्रेंड लता रहती है और लक्ष्मी भी यहीं पर है। अच्छा, हम सब मिलकर खेल सकते हैं। हाँ। डैडी यू लाइक इट? यू लाइक इट? आई लाइक इट। इफ यू लाइक इट, आई लाइक इट।
क्यों जी, क्या सोच रहे हैं? हमेशा एसी कार में जाने वाली हमारी बच्ची कल से कड़ी धूप में रिक्शा में स्कूल जाएगी। इतनी सी बात के लिए इतना सोचना क्यों? अगर आपने चाहा तो जो खोया है उससे 100 गुना ज्यादा कमा सकते हैं। आपके काबिलियत मैं जानती हूँ। देखिए, जो भी हुआ वो हमारे लिए चेतावनी थी। आइंदा दूसरों पर भरोसा करने से पहले अपने भविष्य के बारे में सोचकर पहले से ही चौकन्ना रहना चाहिए। डॉक्टर, इज मिस्टर राज, प्लीज बैठ जाइए। मिस्टर राज, आपकी बेटी को गिरने से जो चोट आई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? आई नो डॉक्टर, ट्रीटमेंट के दौरान पता चला कि अक्षया को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। यह बात हमने अपने चीफ डॉक्टर मित्रा को इन्फॉर्म कर दिया। इनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमने सभी टेस्ट ले ली। उन टेस्टों के आधार पर डॉक्टर मित्रा ने बेबी को क्रिटिकल आयोटेक स्टेनोसिस का डायग्नोसिस किया। डॉक्टर यानी? देखिए, कुछ लोगों का जन्म से ही हार्ट का वाल्व नैरो रहता है, वो दिन ब दिन बंद होता जाता है। पूरी तरह बंद होने से बच्ची की जान भी। डॉक्टर समराज, राजकुमार सक्सेना, माय वाइफ शांति, मेरी बेटी अक्षया की रिपोर्ट हो सकता है किसी और की रिपोर्ट से बदल गई हो। यू बेटर चेक वंस अगेन। ऐसी कोई गलती नहीं हुई मिस्टर राज, आपकी बेटी की कंडीशन वाकई सीरियस। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। बिना किसी कंप्लेंट के हंसती खेलती मेरी बच्ची को अचानक हार्ट प्रॉब्लम कहां से आ गया, और वो भी सीरियस? आई डोंट बिलीव दिस। मिस्टर राज, एक केस के बारे में बताने से पहले हम लोग 4 बार वेरीफाई किया करते हैं। अब आप माने या ना माने, यही हकीकत है। अगर आपकी बेटी को बचाना है तो फॉरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। आई नो दिस, आप ऐसा कहेंगे, मैं जानता था। बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवा के वहां महंगी मशीनें लगवा कर पेशेंट से ये है वो है कह के उनसे पैसा है, आप लोगों का धंधा बन गया है। आपको पैसे चाहिए किसी और को ढूंढ लीजिए, क्योंकि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। मैं उसे अभी यहां से ले जाऊंगा। चलो शांति। मिस्टर राज, आप अपनी बेटी को ले जा सकते हैं, लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद अपनी बेटी की जान जाने पर उसे यहां मत ले आइए। हाउ डेयर यू टॉक लाइक दैट। एक हफ्ते में मेरी बेटी की जान जाएगी डॉक्टर। एक डॉक्टर होने के नाते ही कह रहा हूं मिस्टर राज, मरीज की जान का व्यापार करने वाले डॉक्टर्स हो सकते हैं, बीमारों को डरा डरा कर पैसा कमाने वाले भी हो सकते हैं, पर सभी डॉक्टर्स ऐसे ही होते हैं ऐसा कहना जायज नहीं है। आपकी बेटी की चोट पर कोई एंटमेंट लगाकर हम भेज सकते थे, लेकिन आपकी बेटी की हालत देखकर शक होने की वजह से उसके टेस्ट लेने के बाद ही हकीकत क्यों बता रहे हैं जानते हैं? एक नन्ही सी मासूम कली खेलने से पहले मुरझाना जाए, इसलिए अंडरस्टैंड डॉक्टर, यानी मेरी बच्ची को सचमुच? यस, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए सच कभी झूठ नहीं बन जाता। अगर एक हफ्ते के अंदर ऑपरेशन नहीं किया तो उसका बचना मुश्किल है।
क्या हुआ बेटी? सॉरी डैडी। किस लिए? मैं गिर गई थी ना, इसलिए प्राइज जीत नहीं सकी। कोई बात नहीं बेटी, हमें कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट ईयर मैं जरूर प्राइज जीतूंगी डैडी। हाँ क्यों नहीं, तुम ही जीतोगी। एक्सक्यूज मी सर, आईसीयू में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। सो जाओ बेटी। डैडी क्या हुआ? आखी डैडी बहुत फ्रेंड्स। अब सो जाओ। I'm sorry, doctor. मैंने गुस्से में आकर। It's all right. मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ। जान से बढ़कर प्यार करने वाली बेटी की जान पर कोई खतरा आए तो माँ बाप किस कदर दुखी होते हैं मैं जानता हूँ। उस दर्द की वजह से ही आप जज्बाती हो गए। डॉक्टर, डॉक्टर बैनर्जी आए हैं। ओके, आपकी बेटी को डेफिनेटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आर्टिफिशियल हार्ट वॉल की जरूरत है और उसे इम्प्लांट भी करना है। एक वॉल की कीमत 1,00,000 रुपए है। सिर्फ यही नहीं, उसको सप्लीमेंट करने वाली मेडिसिन मटेरियल सभी विदेश से मंगवानी पड़ेंगी। तो ये सब मिला। हेलो डॉक्टर मित्रा। हेलो डॉक्टर बैनर्जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू? ओह आई एम फाइन, वेलकम बैक टू इंडिया। ओह थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। आई विल जॉइन यू इन 2 मिनट्स। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, प्लीज। हेलो, चलिए। यही डॉक्टर बैनर्जी हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट। दो ऑपरेशन कराने के लिए मैंने खास तौर से इन्हें अमेरिका से बुलवाया है। आपकी बेटी का ऑपरेशन करने के लिए भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, बट ही इज वेरी एक्सपेंसिव। तो डॉक्टर कुल मिला के कितना खर्चा आएगा इस ऑपरेशन का? यही कोई 4-5 लाख रुपए लगेंगे। रुपयों से बढ़कर बेटी की जान कीमती है। यस डॉक्टर, ट्राई टू अरेंज द मनी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू डॉक्टर। अब फौरन 4-5 लाख रुपयों का इंतजाम हम कैसे करेंगे? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं यार, किसी दोस्त से मांगूंगा तो मना नहीं करेगा। अभी अचानक पैसा मांगेंगे तो कौन देगा? हाँ। बैंक में कभी कभी अक्षय के नाम पर पैसा जमा करती थी, वो कोई 60-70 हजार होंगे, फिलहाल वो ड्रॉ करेंगे। वेरी गुड भाभी, पहले ये काम करते हैं, बाकी सब बाद में। हाँ मैं अक्षय के पास जाती हूँ। ठीक है, जाओ। मैडम आपने ऑपरेशन के लिए पैसे भर दिए हैं? आज बैंक हॉलीडे है, कल भर देंगे। कैसी भी हो बच्चे की हालत बिगड़ने से पहले भर दीजिए। मम्मी मुझे क्या हुआ, हम घर कब जाएंगे? जल्दी ही जाएंगे। ओह थैंक यू। ये क्या प्रसाद जी, हमारे बैंक में राय साहब के अकाउंट में करोड़ों जमा रहते थे, अब बच्ची के नाम में जो रुपये डाले थे वो निकाल के ले जा रहे हैं? इसी का नाम जिंदगी है मैनेजर साहब। किस पल किसके साथ क्या हो जाए ये हम कभी नहीं बता सकते। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। ए राज, लेट तो नहीं हुआ ना? चलो। अगर वो रमेश शहर में होता तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। सुना है कि वो आज ही वापस आया है। अच्छा, तो मैं फौरन जाकर उससे मिलता हूँ। उससे बोलना जल्दी ही लौटा देंगे। क्यों लौटाएंगे, उसने भी तुमसे कितनी बार मदद ली है, हम पूछेंगे तो जरूर मदद करेगा। वो देखो बस स्टॉप, रोको। अरे रोको ना, मैं फौरन जाके उसे मिलता हूँ। तुम ये रुपए लेकर हॉस्पिटल जाओ। ये लो, मैं उसे बात करके आ जाता हूँ। ठीक है। क्या हुआ
डॉक्टर? इसकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन स्पाइनल इंजरी होने की वजह से फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो कमर के नीचे का हिस्सा बेजान होकर ये जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। बेटे, मेरा बच्चा, सिवाय उसके मेरा और कोई नहीं बेटे। ऐसा नहीं होना चाहिए डॉक्टर, उसे कुछ भी करके बचा लीजिए प्लीज। लेकिन ऑपरेशन में काफी पैसे खर्च होंगे, अगर उन पैसों का इंतजाम हो जाए तो। मैं कहां से लाऊंगी इतने पैसे, मैं गरीब हूँ, कौन देगा मुझे इतने रुपए? डॉक्टर, वो पैसे मैं दूंगा, प्लीज ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, ये रख लीजिए। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कोई बात, अरे ये क्या कर रही हैं? उसे कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखिए। Oh, excuse me. Yes, madam. I would like to pay 50,000 advance. Okay, madam. Account Akshaya. Okay, madam. Shanti, जो रुपए लाया था वो 6 years. गोपी है ना? वही. कैंसर गोपी. Pardon me. उसकी जान को खतरा था तो उसकी माँ ने मुझसे पैसे मांगे. मैं मना नहीं कर सका, दे दिए. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी अक्षय के ऑपरेशन के लिए 5 दिन का टाइम है ना, इस बीच कुछ ना कुछ कर लूंगा। लेकिन शांति, मेरे ऊपर जान छिड़कने वाले कई दोस्त हैं, मैं किसी से पूछूंगा तो मना नहीं करेंगे वो। शहर से रमेश वापस आ गया है, प्रसाद को मैंने उसी के पास भेजा है पैसे लेने के लिए, आता ही होगा वो। देखो आ गया। क्यों रे, रमेश ने क्या कहा, पैसे दिए? उस रमेश ने तुम्हें धोखा दिया है राज। ये तो क्या कह रहा है? उसके कहने पर चंद्रू की मदद के लिए तुमने कागजात पर दस्तखत किए थे ना, उसने पैसे नहीं भरे इसलिए सरकार ने तुम्हारी जायदाद जब्त कर ली। हकीकत में वो सारे रुपए तुम्हें धोखा देकर उस रमेश ने हड़प लिया। क्या? उस पर भरोसा करके तुमने उसकी जमानत दी और अपनी सारी जायदाद गंवा बैठे। तुम्हारे पैसे हड़प कर वो करोड़पति बना और एक करोड़पति की बेटी से इस वक्त उसकी मंगनी हो रही है, बहुत बड़ी पार्टी भी चल रही है। तुम कहां जा रहे? तो यहीं शांति के पास रहे। हम यूरोप जाएंगे। स्विट्जरलैंड का प्रोग्राम मनाओ क्या? राजा रहा है। राज, ये सब क्या है? तुम्हें इनवाइट करना भूल गया, आज मेरे एंगेजमेंट है। मुझे धोखा क्यों दिया? फ्रेंड है, बुलाया नहीं था। एक्सक्यूज मी, अब जब आ ही गए हो डिनर करके जाओ। जाओ। hey. मैंने दोस्ती को अपनी जिंदगी समझा और उस पर अपना सब कुछ लुटा दिया। मेरी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है, वो अस्पताल में पड़ी है। इस दुख से भी ज्यादा इस बात का दुख है कि तूने मेरी पीठ में छुरा भोंका। सुनो राज। दामाद जी, एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कुछ नहीं बाबूजी, इसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट किया है। मौका देखे बिना आके मदद मांग रहा है, मैं मैनेज कर लूंगा, यू कैरी ऑन। ओके। ए, सुन लिया ना, बाद में मिलना, जितने रुपए चाहिए तेरे मुंह पे फेंक दूंगा, उससे अपनी बेटी की ट्रीटमेंट करा लेना, चल फोट। कमीने, जो रुपए मुझसे उधार लिए वही मुझे भीख में लौटाना चाहता है। मुझे धोखा देता है। ऐसा साहब, मुझे छोड़ दीजिए,
मेरी बच्ची अस्पताल में मौत से लड़ रही है, प्लीज। डीआईजी साहब के दामाद को मारा, तेरी हड्डियां तोड़े बिना नहीं छोड़ेंगे। ऐसा मत बोलिए, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। शट अप। हे भगवान, अक्षय। अभी तक राज नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया है, मैं जाके देख कर आता हूं। मम्मी, अक्षय क्या हुआ बेटा? सिस्टर, सिस्टर, क्या हुआ? देखिए ना, अक्षय को मिल, अक्षय। अक्षय, डैडी, डैडी आ जाएंगे बेटा, अभी आ जाएंगे। डाउन डाउन डैडी, डैडी, डॉक्टर। बार डैडी को बुलाओ मम्मी। She is no more. Aki, hey, daddy aaye hain bidi. Uthna. Apni akshaya. Shh.
ये हमारा रोज का खेल है। I'm sorry, dear. रात को मैं आ नहीं सका। अके, उठना बेटी। अपने अक्षय में छोड़कर चली गई। अके, उठ बेटी। मिकी माउस दूंगा। आइसक्रीम। हे अखिल, मेरी बच्ची को तुम ही ने मारा है। वो इलाज न मिलने की वजह से नहीं मरी, पैसों की वजह से नहीं मरी। एक डैडी शब्द का मतलब न जानने वाली एक बेरहम पत्थर दल इंसान को डैडी डैडी पुकारते कसर के। शांति, इस तरह की बातें मत करो। अक्षय मेरी जान थी, मैं उसे जानबूझ तुमने उसे मारा है। जिस पल तुमने उसके लिए बचा के रखे पैसे उठाकर अपने दोस्त को दे दिए, उसी पल वो मर गई थी।
दुनिया के लिए तुम बड़े दानी हो, दानवीर कर्ण का अवतार, लेकिन मेरे लिए तुम मेरे बच्चे की जान छीनने वाले हत्यारे हो। मेरे कोख से जन्म लेने वाली मेरी बच्ची, जिस पल तुम्हारी लापरवाही से चल गई, उसी पल हम दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया। आज के बाद तुम्हारे और मेरे बीच कोई संबंध नहीं। पत्नी होने के नाते मैं तुमसे सिर्फ अपनी बेटी की जान बचाने को कहा था, तुम मेरे लिए वो भी नहीं कर सके। तुमने दूसरों की क्या क्या मदद नहीं की, मैं तुमसे बस एक ही मदद मांगती हूँ कि अब जिंदगी में मुझसे कभी मत मिलना। बस इतनी सी मेहरबानी करना मुझ पर। क्यों भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि मैं किसी भी वक्त मर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद भी मैं जिंदा रहूँ, इसलिए मैं अपनी आँखें, अपना हार्ट, अपना लिवर और अपनी किडनीज किसी को दान करने का फैसला किया है। एक घंटे में ऑपरेशन होने वाला है। वाह वाह, कितने महान हैं आप। बाथरूम जाना है, चलिए मेरे साथ। सीट मिल गई। इस हॉस्पिटल में बैठने की जगह नहीं मिलती, घुटने बहुत दुखते हैं। क्या इज्जत है, मैं चलकर भी आ सकता हूँ? आपके लिए चलना मना है। क्या ट्रीटमेंट है, क्या ट्रीटमेंट है? थैंक यू सर, आप जैसा पेशेंट इस हॉस्पिटल की शान है। हॉस्पिटल ससुराल की तरह है। थैंक यू वेरी मच, आपकी आंखें हैं ना सर, हीरे जैसी। सब बोलते हैं। हाँ हाँ, आपका हार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। बोलते हैं बोलते हैं। आपका लिवर वेरी वेरी गुड सर, और आपकी किडनीज एकदम परफेक्ट कंडीशन में। ओह ओह ओह, कब टेस्ट किया? आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, आप पेपर दिए थे ना? जी हाँ, मैं जानता था। अच्छा, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी आखिरी ख्वाहिश बोल के क्या फायदा, ऊपर जाते जाते क्या ले जा सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर्स कम ऑन, लेट्स गो टू द ऑपरेशन थिएटर, गेट रेडी फॉर द ऑपरेशन। ऑपरेशन किसका? आपका। मेरा किस लिए? मेरी तरह आपके भी उच्च विचार है, ये जानकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। कैसा विचार? मैं अपनी आँखों को, अपने हार्ट को, अपने लिवर को, किडनीज को। हाँ किडनीज को। हाँ, आप भी मेरी तरह दान करने के लिए आए हैं जानकर आई रियली अप्रिशिएट यू। मेरा सर अप्रिशिएट करना, कुर्सी खाली है समझ के व्हील चेयर पे बैठा तो यहाँ लाके पास निकाल रहे। अरे रुके रुके, ये सब दान करने पे पोस्टमार्टम फ्री है। तेरी अर्थी फ्री, तू करा लेना पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम फ्री है इसलिए पास कर रहे। ताजुब की बात है, दिल में इतना दर्द छुपाकर 6 सालों से इस तरह कैसे रहते होंगे वो। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बीच उसने कितने बच्चों की जान बचाई है। इनफैक्ट तुम्हारी जान भी उसी ने बचाई। What? I don't understand. जरा उस बिल्डिंग को तो देखो, पढ़ो उस पर क्या लिखा है। अक्षय फाउंडेशन। ये अक्षय का उन्हें जानती हो? राज की बेटी। यानी वो फाउंडेशन सब राज की ही है। रुपए ना होने की वजह से उसने अपनी बेटी को खो दिया। ऐसी हालत किसी भी बच्चे को ना आए, ये सोचकर अपने दुख दर्द को दबाकर उसने अपने बिजनेस टैलेंट से बेसहारा बच्चों और बुजुर्गों की मदद के लिए इस फाउंडेशन की स्थापना की। बेहतरीन मेडिकल ट्रीटमेंट, बड़े बड़े डॉक्टर्स और स्टाफ का इंतजाम किया, किसी से एक पैसा भी फीस लिए बिना सबको मुफ्त और बढ़िया ट्रीटमेंट देने का बंदोबस्त किया है। किसी को भी इस फाउंडेशन का वही मालिक है बताए बिना एक आम वॉलंटियर बनकर मरीजों के साथ मिलजुल कर उनकी सेवा करता रहा है। अपनी खोई हुई बच्ची की याद में उस हाल में उसकी तस्वीर को रखकर इस हॉस्पिटल को उसी का नाम दिया है। हाय प्रिया,
How are you? I'm fine. मैं तुम्हें समझ नहीं पाई. I'm sorry, Raj. I'm extremely sorry, Raj. It's all right. Take it easy. चलो. Raj, कम से कम हम दोस्त बन के रह सकते हैं ना? Yes, we are friends. Thank you so much. Come on. राज, इस तस्वीर के सामने बैठकर तुम क्या सोच रहे हो मैं जानता हूं. अक्षय को हमसे बिछड़े आज ठीक 6 साल हो गए हैं. जो चली गई उसके लिए इतना दुखी मत हो. असल में वो कहीं नहीं गई है, आंखों से बस दूर हो गई है. तुम्हारे दिल में हमेशा हमेशा वो जिंदा है. यही नहीं, यहां काम करने वाले हर एक के मन में और उन अनगिनत बच्चों के मन में जिन्हें तुमने बचाया है, तुम्हारी अक्षय जिंदा रहेगी. इतने सारे लोगों की जिंदगी तुमने बचाई है और तुम्हारी ही जिंदगी के साथ ऊपर वाला क्यों खेल रहा है ये मैं नहीं जानता. बट आई नो वन थिंग, तुम जैसे भले आदमी के साथ आखिर में भला ही होगा. थैंक यू डॉक्टर. आप जरा पीछे थे. सॉरी, ये रेस किस लिए? आज रिपब्लिक डे है ना, मेरा भारत महान की रैली हो रही है. ज्यादा मैं तेज भागी थी.
आ गए बेटी? मामा जी इसे अंदर ले जाइए। क्या हुआ बेटी? बाद में बताती हूँ, पहले इसे अंदर ले जाइए। शांति हमारी अक्षय। अक्षय नहीं, ऐश्वर्या। ऐश्वर्या? बिल्कुल, मेरी बच्ची ऐश्वर्या। अक्षय जब हॉस्पिटल में भर्ती की गई थी तभी पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। मौत से लड़ने वाले अक्षय को रख के उस वक्त ये बात तुमसे कहने का मौका नहीं मिला, और अक्षय के जाने के बाद ये बात बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम्हारी वजह से मैंने एक बेटी को तो खो दिया था, अब दूसरी को भी कहीं खो न दूं, इसी डर की वजह से तुमसे अलग होने का फैसला किया था। शांति मुझे एक बार अपनी बच्ची से। ठहरो, जिंदगी में फिर कभी तुमसे न मिलो यही चाहती थी, मेरी बदनसीबी जो अब तुमसे मिलना पड़ा। शांति इतने साल बीत गए तुम अभी भी वो बात नहीं भूली? कैसे भूल सकती हूँ, आज अक्षय की पुण्यतिथि है, उसके कारण हो तुम इस वजह से, तुम्हें देखकर दर्द और भी बढ़ रहा है। दया करके यहाँ से चली जाओ, न तुम ऐश्वर्या से मिल सकते हो और ना ही उसे पता चले कि तुम कौन हो। ऐसा मत कहो शांति। मेरे मना करने पर भी अगर तुमने ऐश्वर्या से मिलने की कोशिश की तो मैं उसे लेकर जिंदगी भर के लिए कहीं दूर चली जाऊंगी। ओके, मैं ही चला जाता हूँ। अफसोस कि तुम अभी भी नहीं बदली हो शांति, तुम जो सोचती हो करके रहती हो पर दूसरों के जज्बात के बारे में जरा भी नहीं सोचती हो। ओके, बट वन थिंग, कौन किससे कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा ये तय करने वाले तुम या मैं नहीं, तकदीर है। आज मेरी तकदीर में अपने बेटे को देखना लिखा था, सो देख लिया। इसी तरह कल हमारा मिलना भी लिखा है, तो कोई चाहे लाख मना कर ले मिलकर रहेंगे। देख लिया? अच्छा प्रसाद, कहते हैं वक्त हर जख्म को भर देता है, तो फिर शांति को मुझ पर जो गुस्सा है वो अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? राज तू फिक्र मत कर, एक ना एक दिन शांति का मन बदलेगा और तेरी बच्ची तेरे सीने से लग जाएगी, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है यार। पता नहीं यार, उस दिन अक्षय को आखिरी बार देखने का मौका नहीं मिला, अब जो ऐश्वर्या को पहली बार देखा ऐसा ना हो कि वो आखिरी बार। ऐसी बात क्यों करता है यार? क्यों रे प्रसाद, अनजाने में भी मैंने कभी किसी को बुरा नहीं चाहा, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? छह साल से दुख और परेशानी उठाकर तुमने अपनी बेटी को पाला है, तो अब आके बोले मेरी बेटी है, मैं ले जाऊंगा बोले तो मैं थोड़ी मानूंगा। बेटी जब तक ये तेरा मामा जिंदा है तू किसी से मत डरना, बेफिक्र होके रहना, वो तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जिंदगी में आएगा तो मैं संभालूंगा। छह साल वहां रहकर शांति ट्रांसफर होकर यहाँ आई मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि राज को देखा मैंने, वो दोनों एक हो जाए ये देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। उसके लिए हर मदद के लिए हम तैयार हैं। हाँ, हम तैयार हैं। थैंक यू। उन दोनों को एक करने के लिए कोई आइडिया बताइए। आइडिया? एक आइडिया है। क्या है? राज और शांति को किडनैप करके एक कमरे में बंद कर देते हैं, वो दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे, इस तरह देखते देखते उनका मन बदलेगा और दोनों एक हो जाएंगे। थैंक यू सर। उनको आपस में मिलाने के लिए आइडिया पूछा, जिंदगी भर अलग करने के लिए नहीं। मैं बताता हूँ आइडिया, यहाँ क्या है, हेलीकॉप्टर है? हमें हेलीकॉप्टर नहीं, आइडिया चाहिए, आइडिया। वही तो बता रहा हूँ शांत, राज, लाउड टैश। हमें उतना क्लैश नहीं चाहिए। जोक्स छोड़िए, आई हैव एन आइडिया। आइडिया? शांति से फ्रेंडशिप करके। हाँ, फ्रेंडशिप करके? नहीं बताऊंगी, करके दिखाऊंगी। दैट्स माय डॉटर। मैडम 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 एक्सक्यूज मी मैम, वार्षिकोत्सव के मौके पर हमारा चैनल अलग अलग लेडीज से उनका इंटरव्यू लेकर उनसे कुछ सवाल पूछने का प्रोग्राम तय किया है, आपको अगर नाराज ना हो। सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, आप किसी और का इंटरव्यू लीजिए। मैडम सॉरी, मैडम प्लीज दो मिनट। मैडम 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 सुनिए, मैडम मैडम जीतने वाले को हमारा चैनल 25,000 का गिफ्ट देगा।
25,000 25,000? Yes madam, TV, cooker, mixie. Oh, सचमुच टीवी कुकर मिक्सी सब काम की चीजें हैं. ठीक है, क्वेश्चन पूछिए. मैडम आप अपना नाम और पता बताएंगी प्लीज? शांति. मुझे अंदर ले आइए. Donation please. So cute. Thank you. Thank you. Bye. Bye. वहाँ से इस तरह भागना पड़ा क्या रे यार? Uncle, donation please. Okay, पैसे दे दे यार. Uncle. तेरे पास है क्या? निकाल नहीं है. Uncle, donation please. मेरे पैसे मुझे दो. पैसे छीन के मुझे धक्का दे दिया. नहीं, बच्ची के पैसे वापस लौटाओ. यहाँ पर चिल्ला कौन रहा था? यही. ए, मैंने कब चिल्ला? ओए, तू ही चिल्ला रहा था ना? मैंने चिल्ला था. क्यों मारेगा? नहीं मैंने. अबे मारना. नहीं मारूंगा. तो वहाँ क्यों चिल्ला रहा था? अरे मैं तो आपकी मदद करने के लिए. मेरी मदद? हाँ. शाबाश, सुन के बहुत खुशी हुई. पैसे कहाँ? पैसे उसके पास है. कौन लेकर आएगा? मैं लेकर आता. समझ गया जाता. थैंक यू. इट्स ओके. उसकी अच्छी पिटाई की. अच्छा. ये लीजिए. अरे रे, उंगली में चोट लगी है, पकड़े. क्यों रो रहा है? दर्द हो रहा है?
थैंक यू। आपको कैसे बुलाऊं? फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड। थैंक यू। बाय। थैंक यू। आया आया। मैं देखती हूँ मामा जी। अरे आप लोग कौन हैं? हाय। अरे कंग्रेचुलेशन शांति जी, हमारी चैनल के कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज आप ही को मिला है। रियली? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये सब मेरे लिए है, ये सब आपके लिए है। सर सर, आपके बेटे को प्राइज मिला है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं पहले से जानता हूँ। आप कैसे जानते हैं मामा जी? यानी कॉन्फिडेंस, तुम कितने अकलमंद हो मैंने जानता। टीवी कैसा है मैडम? ब्यूटीफुल। प्राइस मिला इसका मुझे ताज्जुब है। मैडम, हमारी चैनल के पांचों जजेस ने आपको फुल मार्क्स दिए हैं। 5 जजेस? कौन कौन है वो? वो सब समाज की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। यस। इतने सारे गिफ्ट्स के लिए बहुत खर्च हुआ होगा ना? हमारे फाइनेंसर को नहीं जानते मैडम, फुल कैश पार्टी है। असल में इस प्रोग्राम का पूरा फाइनेंस उन्होंने ही किया है। यस। वाओ, आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत है मैडम। आपका ड्रेस बहुत अच्छा है। ये घर, ये डेकोरेशन, ये सब देखकर यू लाइक इट? हाँ, चले मैं आपको घर दिखाती हूँ। यस श्योर। आप क्यों तकलीफ करती हैं? आप आइए, सामान ठीक से रखो। मेरे साथ आइए मैडम, देखिए आपने क्या क्या इनाम जीते हैं। सब इंटरनेशनल फ्रॉड कंपनी के है। मिक्सी है, ग्राइंडर है, ओवन है, सब ब्रांडेड और कॉस्टली आइटम है। अरे बहुत अच्छा डांस करती हो, रुक क्यों गई? मम्मी ने देख लिया तो डांटेंगी। डांस से इसको बहुत प्यार है, लेकिन इसकी माँ को बहुत नफरत है। हाँ आंटी, मेरे स्कूल के डांस कंपटीशन में मुझे फर्स्ट प्राइज चाहिए। लेकिन मुझे डांस नहीं आता। मेरी जान पहचान की डांस मास्टर, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगी, वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। ओके? मम्मी को पता चलो तो मना करेंगी। मेरे होते हुए तू क्यों डरती है? हम ऐसा प्लान करेंगे उन्हें पता ही नहीं चलेगा। ओके ओके। हेलो, आपसे मिलने के लिए एक खास वीआईपी तशरीफ लाई है। प्रिया, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में मिलूंगा। हेलो अंकल। अचानक यहाँ कैसे आई? मैं सच जान गई ना इसलिए। सच? आप कौन है? अब मैं जानती हूँ। किसने बताया? प्रिया आंटी ने बताया। आप डांस मास्टर है ना? फ्रेंड, मुझे डांस सिखाएंगे? ठीक है। क्यों प्रिया, तुम्हें बताया ना कि मैं डांस मास्टर बैंड मास्टर हूँ। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान शांति जी से मुलाकात हुई और हम दोनों दोस्त बन गए। तब पता चला ऐश्वर्या को डांस बहुत पसंद है और उसकी मम्मी को बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इसे सीक्रेटली डांस सिखाएंगे तो? ये डांस सिखाना मैंने कब का छोड़ दिया है, पागलों सी बातें मत करो। हेलो, किसको सिखाने वाला है? अपने बेटे को ही तो सिखाएगा ना। कम से कम इस बहाने अपनी बेटी से मिलने का मौका तो मिलेगा तुझे। देख, तो हमेशा तकदीर कहता रहता है ना, उसी तकदीर ने तुझे ये मौका दिया है। हाय, ये मेरा हैंडकरचीफ है। यस डियर। आपकी उंगली कैसी है? अब ठीक है, इट्स ऑलराइट। मुझे डांस सिखाओ ना फ्रेंड। ठीक है, लेकिन फीस? ओ फीस। थैंक यू। आज से
ऐश डैडी ऐश राज बोता फ्रेंड। अब तुम कहो ऐश राज बोता फ्रेंड्स। दैट्स राइट। ओहो लगता है बारिश आने वाली है, यहीं रुक जाए। ठीक है। भीगा सब कुछ भीगा मौसम भीगा, तर हुई ये जमीन तर हुआ आसमां। मेरी गुड़िया झूमेगी साथ उसके तुम झूमो, बारिशों की रिम झिमनी आज हम वतन झूमो। गरज गरज बरसो चमके, जुल्फों में मनवा उलझे, गालों पे नूर दमके। मीठी मीठी बोली गुड़िया बोले, कसम से दिल मेरा होले होले डोले। मीठी मीठी बोली गुड़िया बोले, कसम से दिल मेरा होले होले डोले। बरखा में बदन खिल रहे हैं, जीवन के मीत मिल रहे हैं, बेचैनी दूर जा रही है, सांसों में सांस आ रही है। भीगा भीगा सब कुछ भीगा, भीगा भीगा मौसम भीगा। छोटे छोटे दिल हैं अपने, छोटी छोटी है खुशियाँ। तू है मुझे जान से प्यारी, कसम से तू ही मेरी राज दुलारी। डैडी भी लगते हैं मुझे प्यारे, कसम से मम्मी भी लगती है मुझे प्यारी। मेरी रानी तो सुहानी, तुझे मिलती रहे नई नई खुशियाँ, मिलती रहे यूं ही तेरी बंदियाँ। दोनों की तो ही जिंदगी है, दोनों की तो ही बंदगी है। मुस्काती यूं ही रहे हरदम, दोनों की यही आरज़ू है। गरज गरज बरसो बरखा, गरज गरज बरसो। भीगा भीगा सब कुछ भीगा, भीगा भीगा मौसम भीगा। तर हुई ये जमीन
लाल बत्ती चल रही है ना? कोई बात नहीं। ओके। मामा जी, वो अपने ऐश्वर्या है ना? अब अब नहीं बेटी। ठीक से देखिए ना। सिग्नल हो गया, चलो। मुझे तो बिल्कुल शक हो रहा है। मामा जी, आइसक्रीम चाहिए? ना बोल रही है। ठीक है। कम ऑन कम ऑन। आज तुम्हें क्या हुआ बेटी? हम क्या टेंशन ले रही हो? ऐश ऐश के तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। फिर घर चलो, बताता हूँ। मेरी दुनिया। हाय मम्मी। हाय। मैं
मैंने कहा था ना, वो ये नहीं है, ये वो नहीं है, वो वही है, ये यही है। सुने तब ना, टेंशन में आके गाड़ी तेजी से चलाई। अब मेरे पेट में सॉरी। कितनी देर हुई तुम्हें आए? एक घंटा पहले मम्मी। कैसे आई स्कूल से? रोज की तरह बस में। क्यों मम्मी? बस ऐसे ही। एक दूसरे को डांटा क्यों कर रहे हो? हाथ है इसलिए, घूमता है इसलिए, हिलाया। फिर भी दादा और पोती के बीच कुछ अफेयर्स होंगे। तुम्हें क्या है, गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड आफ्टरनून बोलेंगे, गुड इवनिंग बोलेंगे, गुड नाइट बोलेंगे, अब चाहे तो बाय बाय भी बोलेंगे। जाके फ्रिज का पानी पी लेना, दिमाग ठंडा और टेंशन दूर। बाय बाय। बाय बाय। राज ये। अच्छा, किस एरिया में? रोड नंबर 12। ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। बाद में आके मिलना, जितने रुपए चाहिए मुंह पे फेंक दूंगा। पिछले महीने ये तो बर्थडे मनाए थे ना, अब फिर से बर्थडे कहाँ से आ टपका? इसके पीछे भी एक वजह है। ऐश्वर्या अपने डैडी को कितना चाहती है ये जानना है, और फिर शांति और राज को मिलाने के लिए मुझे राज के करीब जाना होगा। जस्ट एक्टिंग डैड। हमारे बनाए प्लान के मुताबिक आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। रेडी हो गई है ना? हाँ, हो गई। उसमें सब सही लिखा है ना, कुछ गलत तो नहीं लिखने और पढ़ने वाली प्रिया ही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज मैं ऐश्वर्या से उसके डैडी के बारे में पूछूंगी। ओके ओके, ठीक है। आप मोमबत्ती फूको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाय। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। राज, दिस इज शांति। शांति, दिस इज राज, माय नेबर एट फिल्म हीरो, और ये इनकी बेटी ऐश्वर्या। प्लीज कम। हेलो सर। नमस्ते सर। होल्ड दिस। ओके, लाओ। पाका जवाहर बनपा, देती हूँ हायर बनपा,
का या कोई रंभा, दुनिया का आधुआ चंभा। बाका जवा है लंबा लंबा, देखती हूँ हाय रबा रबा। पर्चियां हैं, सबको इनमें से एक एक लेना होगा और पर्ची में जो लिखा है वह सही करना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। अब ऐश्वर्या जा। तुम्हें मम्मी पसंद है या डैडी पसंद है? मम्मी। ओह, और डैडी? क्यों? बैड डैडी, मेरी दीदी को मार दिया। Thank you.
बेटे, तुमसे कुछ बात करनी है। अपनी ही बेटी के हत्यारे से आप क्या बात करेंगे? ऐसा मत कहो बेटा, शांति ने कभी गुस्से में कहा होगा और बच्ची ने सुन लिया। गुस्से से या नफरत से वो मुझे कुछ भी कहे कोई बात नहीं, लेकिन एक मासूम से फूल जैसी बच्ची के दिल में तेरा बाप हत्यारा है कहकर काली तस्वीर छाप दी, मुझे इससे बहुत दुख हुआ। अक्षय को मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता था। मैं नहीं जानता क्या बेटा? तो क्या मैं उसकी जान ले लूंगा? उस दिन रमेश ने धोखा दिया और मुझे जेल में रहना पड़ा, इस वजह से मैं अपनी बेटी को आखिरी बार देख भी नहीं पाया। ये मेरी बदकिस्मती है। इतने सालों बाद जब ऐश्वर्या को देखा तो सोचा मंजिल मिल जाएगी, आज नहीं तो कल सब एक हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद जाग उठी, लेकिन एक ही पल में वो उम्मीद टूट गई। अब मैं किसके लिए जीऊं और क्यों जीऊं? अब मेरी किस्मत ही ऐसी है। डैडी हत्यारे हैं, काश ऐसा ना बोलकर वो मर गए ऐसा बोलती तो अच्छा होता। बेटी शांति, कल मंदिर के पास राज ने जो बातें कही उन्हीं के बारे में सोच रही हो ना? अभी तक तुम इसे ठीक से समझी नहीं। पार्टी में बच्ची की बातों से वो कितना तड़पा होगा जानती हो? जब अपना ही खून ये कहे कि तुम हत्यारे हो तो कौन बाप बर्दाश्त करेगा? राज की बातों में सच्चाई है और उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार है। कल जब तुम्हारी बेटी बड़ी होगी तब उसे उसके बाप की जरूरत पड़ेगी। बेटी, बुजुर्ग होने के नाते कह रहा हूँ, अहंकार के मजार में जिंदगी की कुर्बानी मत दो, बाकी की जिंदगी उसके साथ बिताने में ही भलाई है, वही तुम्हारी मंजिल है और मकसद है आगे तुम्हारे। डैडी बैड डैडी नहीं है बेटा, गुड डैडी है। अगर वो गुड डैडी होते तो मुझसे मिलने के लिए आज तक क्यों नहीं आए? आएंगे बेटे, जल्दी ही आएंगे, आके तुम्हें देख के आई लव यू ऐश्वर्या ऐसा भी बोलेंगे। ओके तब तुम डैडी से क्या बोलोगे? आई लव यू डैडी। गुड गुड। मामा जी। क्या है बेटी? मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। देर से ही सही तुमने सही फैसला लिया, तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की बहार आए, खुश रहो, जाओ बेटी जाओ। गालों पे ये काला काला दिल लगता है कैसा खुशनुमा, गोरे गोरे गालों पे ये काला काला दिल लगता है कैसा खुशनुमा। तू ही तो जाने मन मेरी जिंदगी, तू ही तो मेरा दरबा, बोलो कैसे ये आधा है आई तुझमें, मैंने दिल में बसाया तुझको।
काला काला दिल लगता है कैसा खुशनुमा। तू ही तो जाने मन मेरी जिंदगी, तू ही तो मेरा दरबा। मेरी जान तुझको सीने से लगा ले रानी, आजा मुझको प्यारी नजरों से मुझे देखा ना करो, ऐसी वैसी बातें तुम किया ना करो। मुझको ठंडा तुम करोगे, तुमको ठंडा मैं करूंगा। कैसा खुशनुमा। तू ही तो जाने मन मेरी जिंदगी, तू ही तो मेरा दरबा। Come in. Raj, यहां क्यों आया? निकल जाए यहां से। बात सुनो राज। Get out. राज, मुझे मत छो। मैंने तुम्हारे साथ जो सलूक किया है उसके लिए ऊपर वाले ने मुझे सही सजा दे दी है। कम से कम तुमने मुझ पर जो एहसान किया है उसका शुक्रिया तो अदा करने दो। दोस्ती नाम के शब्द का अगर कोई रूप है तो वो तुम हो राज। अब तुमने जो मेरी मदद की है वो कोई किसी के लिए भी नहीं करेगा। अगर इस पल मैं यहां पर खड़ा हूं तो वो तुम्हारे एहसान की वजह से। उस वक्त जब मैं सड़क पर था तब मेरी मदद करके तुमने मुझे जिंदगी दी। अब भी तुम्हारे बड़प्पन की वजह से मुझे एक नई जिंदगी मिली है। इस मतलबी दुनिया में तुम जैसा दोस्त नसीब वालों को ही मिलता है। मुझसे गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी यार। सॉरी 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 क्या ये सॉरी? तुम्हारा ये सॉरी मेरी जान से प्यारी अक्षय को वापस ला सकता है क्या? तुम्हारा ये सॉरी मुझे और शांति को फिर से मिला सकता है क्या?
तुम्हारा ये सॉरी दोस्ती के नाम पर खोया हुआ भरोसा वापस दे सकता है क्या? सॉरी कहते हैं सॉरी। अंग्रेज की औलाद बनकर दोस्त शब्द का सॉरी बोलकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालना चाहता है? दफा हो जाए से। गेट आउट। धोखा देकर सड़क पर लाया, मेरी बेटी के मौत का कारण बना था, जिसकी वजह से हमें अलग होना पड़ा, वो रमेश आज भी उनके पास मौजूद है, अब भी वो उसकी मदद कर रहे हैं, उसे सर पर बिठा रखा है। उस आदमी के पास मैं दोबारा जाकर अपनी इस बेटी को भी खोना नहीं चाहती। मेरी जिंदगी इसी तरह गुजरेगी, बस इसी तरह। तेरे नसीब में पिता नहीं है बेटे, सब कुछ मैं ही हूँ, सिर्फ मैं। क्यों मम्मी अभी तक सोई नहीं? अभी अभी जगी हूँ बेटा। अभी जगी हूँ। ये आइटम खत्म होने के बाद अपने ऐश्वर्या का प्रोग्राम है। She's going to perform western dance. Dance? लेकिन आप उसे म्यूजिक क्लास ले जाते थे ना? उसका तो म्यूजिक प्रोग्राम ही है। रॉन्ग अनाउंसमेंट किया होगा। अरे ये डांस कब से करने लगी? मुझे ही पता नहीं। करेक्ट है। हिल जिक रही बेटी, हिल जिक रही। अब देखो गंजा पर होता है ना शुगर की बीमारी, उसी तरह म्यूजिक आ गया, डांस भी इंटरलिंक। हमको
को सबसे न्यारे, तू मेरी गुड़िया है, आशा है तू मेरी, डैडी को जान से भी तू ही प्यारे। शांति, सुना है तुम हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रही हो। इसकी वजह यही है ना कि मैं ऐश्वर्य से मिलता हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं आज के बाद उससे नहीं मिलूंगा। तुम यह शहर छोड़कर मत जाओ। माना कि तुम उसे नहीं मिलोगे, लेकिन वो तुमसे मिलना चाहे तो? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं शांति। अच्छी नौकरी, बच्ची की पढ़ाई, ये खुशियों भरी जिंदगी छोड़कर तुम कहीं मत जाओ। तुम दोनों की जिंदगी से मैं ही कहीं दूर चला जाता हूं। अब तुम यहां बेटी के साथ बेफिक्र रहो। ए फ्रेंड, यहां कैसे आए? मेरे स्कूल फंक्शन के लिए? ऐसे ही तुमसे मिलने के लिए आया। ऐश, मैं यहां से जा रहा हूं, सोचा एक बार तुमसे मिलता चलो। कहां जा रहे हो? अपनी मम्मी के पास? अपने डैडी के पास? मेरे डैडी नहीं हैं। मेरी तरह तुम्हारे भी डैडी नहीं? मेरा कोई भी नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। I love you. ऐश, मेरे जाने के बाद तुम अपनी मम्मी की बात मानना। खूब पढ़ लिख कर बहुत सारे इनाम जीतना, खूब नाम कमाना। Be a good girl. ठीक है फ्रेंड। चलता हूँ बेटी। ऐश, राज, बोला फ्रेंड। फ्रेंड, तुम जा रहे हो तो मुझे अजीब सा लगता है फ्रेंड, मुझे रोना रोना आ रहा है। तुम मेरा अपना खून हो बेटी, इसीलिए ऐसा लग रहा है। अब मैं तुम कैसे बताऊं? आओ बेटी। बेटी ऐश, ये खून का रिश्ता है। मैं ही तुम्हारा डैडी हूँ, पर यह सच बताने की हालत में नहीं हूँ। बहुत ही बदनसीब है तुम्हारा डैडी। मुझे माफ कर दो बेटी, माफ कर दो। तुम कहीं भी मत जाओ फ्रेंड, प्लीज मत जाओ फ्रेंड। फ्रेंड, नहीं जाओगे ना? ऐश, तू यहाँ पर है? एक्सक्यूज मी सर, सब इसका इंतजार करें। चल बेटी, चल।
हे भगवान, उस दिन मेरी अक्षया की जान लेकर मुझसे दूर कर दिया, अब इस बच्चे को मुझसे दूर करके मेरी जान ले रहे हो। आखिर मुझसे कौन सा पाप हुआ जो मुझे इस तरह की सजा दे रहे हो? ऐसा नसीब किसी भी पाप को मत देना भगवान, मत देना। होने वाला है, कोई भी इधर उधर भाग दो नहीं करेगा, सबको डिसिप्लिन में रहना है, समझे? यस सर। आशुरिया, प्रार्थना गीत तुम्हें गाना है। ओके सर। प्रार्थना याद सही वक्त पर हमारे वॉलंटियर के वहाँ पहुँचने से उसकी जान बच गई। बच्ची सदमे में है, इसलिए उसे सेडेशन दिया है। उसे कोई खतरा नहीं, शी इज ऑल राइट। आप फिक्र मत कीजिए, 15 मिनट में होश आ जाएगा। अरे हाँ, होश आते ही उसे ये इंजेक्शन देना मत भूलना। यस डॉक्टर। वो बहुत बुरी तरह जख्मी है, इस वक्त कोमा स्टेज में है, चांसेस आर 50-50। डॉक्टर Let's do our best. Yes.
इन दवाइयों का इंतजाम कर। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर सुना है स्कूल में आग लगने से बहुत सारे बच्चे घायल हुए हैं और इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। यस। अब उन बच्चों की कंडीशन कैसी है सर? वो सब ठीक है, दे विल बी ऑल राइट। सर उन बच्चों को फ्री ट्रीटमेंट देने वाले हैं? यस। अक्षय फाउंडेशन के वॉलंटियर ने अपनी जान पर खेलकर उन बच्चों को बचाया है। हाँ। सुना वॉलंटियर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया है। हाँ। तो क्या आपका फाउंडेशन उस वॉलंटियर को मुआवजा देगा? यस। अगर वो वॉलंटियर अपाहिज हो जाए तो उसका और उसके परिवार का जिम्मा आप लोग लेंगे? यस। डॉक्टर और अगर वो मर गया तो? तभी अक्षय फाउंडेशन ही नहीं रहेगा। जैसा आप समझते हैं वैसा वो कोई मामूली वॉलंटियर नहीं है, वही अक्षय फाउंडेशन है। अक्षय फाउंडेशन उन्हीं का है, उन्होंने इसकी स्थापना की है। पता नहीं कितने मासूम बच्चों की जान बचाई उन्होंने और आज वो खुद मौत से लड़ रहे हैं। दया करके हमें अपना काम करने दीजिए। प्लीज प्लीज लीव मी अलोन। प्लीज मूव अवे। मूव आई से। प्लीज मूव मूव। किसकी याद में यह अक्षय फाउंडेशन बनाया गया है? देखो उसे। अपनी बेटी को खो देने की वजह से जो उस पर बीता, उस गम और जुनून में हजारों बच्चों की जिंदगी बचाने का इरादा पैदा हुआ और ये फाउंडेशन बना जिसकी बुनियाद है राज की मेहनत, आंसू और तड़प। पैसे ना होने की मजबूरी से किसी मासूम की जान न चली जाए, इसी मकसद से बनाई गई है यह फाउंडेशन। ऐसे इंसान को समझे बिना तुमने उसे कितना दुख पहुंचा है तुम नहीं जानते। तुम्हारे लिए और ऐश्वर्या के लिए हर पल तड़पता रहा है, तुम दोनों को कितना प्यार करता तुम नहीं जानते। हो सकता है अब तुम्हें इस बात का एहसास हो गया, लेकिन वो मौत के मुंह में है। सुनिए सुनिए, उससे गलती हो गई, मुझे मुझे माफ कर दीजिए। सुनिए मुझे माफ कर दीजिए। सुनिए ना, अब मेरा फ्रेंड कैसा है मम्मी? फ्रेंड नहीं बेटे, तुम्हारे डैडी। डैडी? डैडी,
आई लव यू डैडी, प्लीज डैडी, आंखें खोलो डैडी, मुझे देखो डैडी, डैडी आई लव यू डैडी, डैडी आई लव यू डैडी, आंखें खोलो डैडी, प्लीज डैडी मुझे देखो डैडी, डैडी प्लीज डैडी, प्लीज डैडी मुझे देखो डैडी, डैडी प्लीज डैडी आई लव यू डैडी, डैडी प्लीज डैडी आंखें खोलो डैडी, डैडी डैडी, मुझसे बात करो डैडी, आई लव यू डैडी, बेटी guys. Hi, this is Venkatesh here. This is Vijay Devarkonda. Hi, this is Samantha. Salamkona Srinivas. Watch Telugu FilmNagar. Subscribe to Telugu FilmNagar. Subscribe to Telugu FilmNagar. Do subscribe to Telugu FilmNagar. Telugu FilmNagar. Please subscribe to Telugu FilmNagar. You're watching Telugu FilmNagar. Subscribe to Telugu FilmNagar for the latest updates. Telugu FilmNagar. Chinna bell icon untadi.